फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर डोली भी आई है, माता रानी की है या किसकी है पता नहीं है। जय माँ भगवती, काली मैया की डोली है शायद। कहाँ से है ये डोली? उधर से? कहाँ से है? टेरी से? कौन सी माता? भद्रकाली माता। तो फ्रेंड्स ये है भद्रकाली माता, ये टिहरी से आई है गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पे। जय माँ भद्रकाली माँ भगवती। तो यहाँ पे इस तरह से डोलिया गंगा स्नान के लिए आती हैं। और वो किसका है बड़ा वाला? भैरव देवता। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे साथ में भैरव देवता भी है। तो वो देखिए वहाँ पे माता रानी के साथ में भैरव देवता भी आए हैं। और ये देखिए इस तरह से ढोल पे देवी देवताओं को नचाया जाता है। माता रानी स्नान के साथ साथ में नृत्य भी कर रही हैं। और नीचे वहाँ पे सामने पे देखिए वहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं, मूर्ति भी उन्होंने साथ में लाई है, मूर्ति की भी पूजा कर रहे हैं पंडित सब आए हैं। और कितने सारे भक्तजन वगैरह सब साथ में खड़े हैं ये देखिए। और माता रानी का भार उठाना बहुत बड़ी बात है। जय माँ भद्रकाली माता माँ भगवती। कग बिटे आए आप हैं? अयो डोली घुमानी वाला बिटे आई? अच्छा, तो फ्रेंड्स डोली आई है घुमानी वाला से। वो तो टिहरी से बोल रहे थे। ये पे कथा चल रही है, कुछ कथा है नहला निकले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माता रानी को स्नान के लिए लाया गया है, घुमानी वाला से आए हैं। वैसे माता रानी मूल रूप से टेरी की हैं। तो ये देखिए माता रानी का स्नान करवा दिया उन्होंने। और सामने देखिए मतलब, अच्छा ये माता रानी टेरी से इन्होंने बुलाई होंगी? मंदिर है ना, वो कुछ गार्डन में। अच्छा, गांव वालों ने बुलाया होगा ना? अच्छा अच्छा अच्छा, टेरी के कौन से गाँव से? कौन थे? अच्छा, थोड़ा दक्षिणा चढ़ा। यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं माता रानी की, और मूर्ति भी उन्होंने साथ में लाई है माँ भगवती की। मूर्ति को भी स्नान कराया है और साथ में लाए हैं डोली को भी स्नान कराने के लिए। और देखिए लोग कितने खड़े हो गए हैं साथ में श्रद्धा भाव से भगवती माता रानी के दर्शन करने के लिए। अभी सब अलग अलग थे, अब सब इकट्ठा हो गए। जैसे माता रानी यहाँ पर आई सारे के सारे इकट्ठा हो गए भगवती को देखने के लिए। चलो आज माता रानी के दर्शन का सौभाग्य भी मिल गया मुझे। भद्रकाली माता डोली डोली के दर्शन हो गए माता रानी के, भगवती माँ आशीर्वाद दे दे बस। तो ये परिवार के लोग आए हैं, इन्होंने माता रानी की डोली को बुलाया है साथ में स्नान कराने के लिए। वैसे ये घुमानी वाला के हैं, इन्होंने माता रानी की डोली को बुलाया है स्नान करवाने के लिए। तो यहाँ पे पूरे परिवार के सदस्य माता रानी की पूजा करा रहे हैं। तो चलिए ये एक अच्छी बात रही आज कि मुझे साथ में माता रानी के भी दर्शन का अवसर मिला। गंगा मैया के दर्शन के साथ साथ भद्रकाली माता और भैरव देवता के भी दर्शन हो गए। और सामने देखिए साथ में शिव भक्त भी जो है स्नान कर रहे हैं। वो लोग कितने नीचे तक गए हैं ना, तो वैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, गहरा ही थोड़ा उधर आगे तक है। वो देखिए वो सामने सीढ़ी वैसे यहाँ तक है, पर फिर भी थोड़ा नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। पंडित जी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, श्रीफल घुमा रहे हैं। ये देखिए तो अभी माता रानी का स्नान तो हो गया है और ढोल भी अभी शांत हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे चल रहा है पूजा पाठ का कार्यक्रम।
पंडित जी जो है कि वहाँ पे पूजा कर रहे हैं और माता रानी की मूर्ति भी उन्होंने लाई है। और ये हमारी भद्रकाली माता है जो कि मूल रूप से वैसे टिहरी की हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो घुमाने वाला के हैं, उन्होंने बुलाया है यहाँ पे माता रानी को स्नान के लिए। आज लाए हैं माता रानी का स्नान कराने के लिए। और यहाँ पे देखिए ढोल वाले, तो ये होता है ढोल जिससे देवी का जागरण लगाया जाता है, होली को नृत्य कराया जाता है, स्नान के समय हर काम में जो है कि ढोल बजाया जाता है, बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो पूजा के बाद अब पंडित जी लगा रहे हैं सबको टीका, तो इस तरह से टीका लगा रहे हैं पंडित जी। और सामने से देखिए गंगा मैया, सामने तप्पड़ था, अब वो तप्पड़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, उधर सामने पूरा तप्पड़ था ना, पूरे वहां तक गंगा मैया चली गई है। तो ये देखिए उनका पूजा पाठ हो चुका है और वो तैयार है चलने के लिए। सिर में कलश रख के लाया जाता है, अगर हम कहीं स्नान करने जाते हैं डोली को, माता रानी को एक सम्मान होता है माता के प्रति। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सबके सब सबने सिर में कलश रखा हुआ है, कलश से हम अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, कलश में सभी देवी देवताओं का स्थान होता है, इसलिए हम कोई भी पूजा पाठ करें तो उसमें सबसे पहले कलश रखा जाता है। और यहाँ पे तो भगवती को स्नान करने के लिए लाया गया है, तो माता रानी को ऐसे ही नहीं ला सकते हैं, साथ में कलश यात्रा जरूर चलती है माँ की। तो अब माता रानी चलने को तैयार है, कलश यात्रा जो है फिर से चलने को तैयार है, सबके सब चलने वाले हैं। तो जो कलश वो लाए हैं उसमें गंगा जल भर के वो लेकर जाएंगे और फिर जहाँ पे अगर कथा होगी या जो भी होगा मंडप होगा बना रखा, वहाँ पे कलश को रखा जाता है और जब पूजा पूरी हो जाती है उसके बाद सुफल के रूप में दिया जाता है। तो सामने से उनके गोद में माता रानी भी है, तो पंडित जी माता रानी की कितनी बड़ी मूर्ति साथ में लाए हैं। तो ये देखिए स्नान करवा रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कि कोई कथा वगैरह है घर में, सिर्फ स्नान। तो ये माता भद्रकाली माता है जिनका स्नान करवाया जा रहा है यहाँ पे, देखिए गोद में कितनी सुंदर लग रही है, गोद में लिए है उन्होंने माता रानी को और साथ में आए हैं इतने सारे लोग, सबके सब साथ में आए हैं। तो कलश यात्रा शुरू हो चुकी है, जाने के लिए तैयार है सबके सब, तो आगे आगे भैरव देवता चल रहे हैं और पीछे से अब यात्रा निकलेगी माँ भगवती की। वो देखिए सामने से सबसे पहले जो उधर गए हैं वो है भैरव देवता और यहाँ पे है माता रानी की डोली, निकल चुकी है डोली ये देखिए, और यहाँ पे है ढोल, साथ में ढोल तो जरूर आता है माता रानी के, कोई भी यात्रा निकलेगी हमारे यहाँ तो उसके साथ में ढोल जरूर चलता है। तो ये देखिए भगवती अब फिर से स्नान करने के लिए चली गई है। जय हो माता रानी माँ। और देखिए फ्रेंड्स कितना झुके उनके गर्दन देखिए, पहले अब माता रानी चली गई है। जय हो माँ भद्रकाली, तो माता रानी आशीर्वाद दे रही है सबको। ये देखिए यहाँ पे फिर से माता रानी नीचे चली गई, उनको आशीर्वाद देने के बाद माँ फिर से नीचे चली गई गंगा मैया को प्रणाम करने के लिए। और ये देखिए फिर से माता रानी, जय माँ भगवती। और फ्रेंड्स वो देखिए कितने तेजी से घूम रहे हैं, उनके गर्दन देखिए पहले अब माता रानी का भार उन्होंने उठाया है, मतलब ये भी एक शक्ति है बेचारे, वो देखिए। जय माता रानी, जय माता। अब यात्रा निकल चुकी है यहाँ से, माता रानी को और भैरव देवता को स्नान कराने के बाद अब यात्रा यहाँ से निकल चुकी है, जो जाएगी घुमानी वाला। आप लोग पैदल आए हैं, गाड़ी लाए होंगे ना, तो ये यात्रा चल रही है घुमानी वाला तक जाएंगे, गाड़ी में आए हैं। कितना सुंदर लग रहा है, देखो यात्रा निकल रही है, यही तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, अलग ही पहचान है, कहीं पे भी जाए तो देव डोलियां हमें कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती हैं, और कलश यात्रा साथ में चल रही है। और आज ये सौभाग्य मुझे भी मिला है यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने का। और आगे आगे चल रहे हैं भैरव देवता और उनके साथ में पीछे पीछे चल रही है माता रानी। जय माता दी, बधाई आपसे, बहुत बहुत बधाई आपसे, माता रानी का स्नान कराए ली माता रानी बोली है, चलो बढ़िया भगवती बोले अपन करायेला स्नान आराम से
हाँ वही पे चलो माता है। चलो चलो पूरे मंदिर तक चलो। मंदिर कहाँ पे है? घुमाने वाला में दूर है, नहीं है दूर भाई, चलो। तो घर में बोल के नहीं आ रही हूँ। और साथ में कलश यात्रा के साथ में चल रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे घर में हम आज मैं ऐसे आई ना, बिना बताए आए, हॉस्पिटल आई थी, अचानक आ गए मैं यहाँ पे। चलो माता रानी का हो रहा होगा इसलिए आ गई शायद, है ना, माँ के दर्शन करने होंगे। कब बेटे? घुमाने वाला का परुण कहा भट्टा वाला कौन से? अच्छा मंदिर की स्थापना हुई। अच्छा 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 मूर्ति। अच्छा चलो बधाई हो आपने, मंदिर का स्थापना भी देगी, भगवती को स्नान भी देगी। चल अच्छा तो भगवती माता जय माँ। आज पूरे दिन की पूजा? पूरे दिन की पूजा आज एक ही दिन में पूजे की? तीन दिनों को पाठ होल भगवती को ना। चलो हाँ बधाई हो आप, तब ओला फिर कभी भगवती को बुलाओ बोलते, अभी थोड़ा सामान भी ले ना माच घर में। तो यात्रा तो चली गई है अपने स्थान पे, मंदिर का स्थापना थी इसलिए। ये हैं पंडित जी मंदिर के जो भगवती के साथ में आए थे। बधाई हो पंडित जी, मंदिर का स्थापना होगी। तो अब मैं जा रही हूँ घर, हो गया मेरा काम, अब ऑटो ढूंढने का काम रह गया है। ऑटो मिल गया टाइम से तो निकलते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे ऑटो मिल चुका है और मैं जा रही हूँ घर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये देखिए सुबह से घूम घूम के क्या हालत हो गई है, पता ही नहीं चला आज तो। टाइम इतना हो गया 3 बजने वाले हैं और आज मैं मॉर्निंग से 10 बजे से घूम रही हूँ। पहले हॉस्पिटल गई, त्रिवेणी घाट गई, बहुत सारी जगह गई हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय देव कृष्ण, जय बाजे श्री कृष्ण। बैठ जाओ, शिवाजी नगर उधर ही तो पड़ता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ आवास विकास में और मैं आई थी आवास विकास के रास्ते, क्योंकि मुझे यहाँ से मम्मी के लिए दवाइयाँ लेनी है। तो मैं खड़ी हूँ साई मेडिकल्स में, यहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है। मार्केट में इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखिए बारिश कितनी तेज़ हो गई, और तेज़ हो रही है, और तेज़ हो रही है बारिश। और मुझे यहाँ से जाना है बहुत दूर पैदल अभी। माय गॉड,